वापसी के बाद मेरे भाई ने मंगवाई ये एक दो तीन चार और ये पांच पांच खतरनाक गेमिंग गैजेट्स। सबसे पहले यार ये बड़ा बक्सा हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये क्या है भाई, कुछ समझ नहीं आया। ओके, ये एक आरजीबी स्टैंड टाइप दिख रहा है, और साथ में क्या है इसके? अरे वो मेरा है, ये स्किपिंग रोप से भाई, ये मेरे मेरे लिए गलती से आ गया गाइस। ठीक, ओ काफी ऊंचा है ये तो गाइस। इसको तो अपने को कनेक्ट करना पड़ेगा एक पीसी के साथ। गाइस डायरेक्टली देखो यार, इसमें अपने को आरजीबीज मिलती है देखने को, और यहाँ पे एक छोटा सा टच बटन भी है जिससे दबा के आरजीबी का पैटर्न चेंज हो रहा है। ये देखो लाल हो गई। अलेक्सा लाइट्स ऑफ। ये देखो भाई पैटर्न चेंज करते हैं मस्त। ओह क्या कूल दिख रहा है ये। हेलो सच्ची में, और क्या है? टक 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 टक। भाई मुझे काफी बढ़िया लगे ये सारे के सारे इफेक्ट्स। ऑब्वियसली एक हेडफोन स्टैंड, इसलिए यार हेडफोन्स इसमें ऐसे रख सकते हैं। एक और मस्त सी बात इसमें ये है कि एक माउस बंजी करके चीज आती है, लाइक इसमें से हम लोग वायर डालते हैं। ये काम आता है वायर वाले माउस के लिए, जो माउस का वायर वो बीच में ना आए, इसलिए इसको यूज किया जाता है। काफी यूजफुल गैजेट है ये तो। अगला वाला गैजेट एक्चुअली मैं पहले से ही ओपनड है, क्योंकि व्लॉग चैनल में हो गया था ओपन गलती से। एंड इसमें है एक्चुअली, अबे निकल क्यों नहीं रहा भाई, निकल नहीं रहा। ये देखो सच्ची में, अरे चिपक गया था एक्चुअली। दो दो माउस, वो भी सेम टू सेम लाइक आयरन मैन के माउस है दोनों। ये चमकते है क्या? अगर चमकते हो गए बढ़िया बात है, और हम लोग दोनों यूज करेंगे। चलो आज देखते भाई, किसी ने किया नहीं होगा जिंदगी में दो माउस वो। अरे छी, ये काला काला क्यों है यू? अच्छा ओके समझा गाइस, ये दो दो थोड़े थोड़े अलग से माउस है। ओके इसका ना ऐसा रबर वाला पैटर्न है, एंड इस वाले का नॉर्मल ऐसा ग्लास वाला पैटर्न है। भाई खतरनाक चीज है। बाकी तो इसमें कुछ अलग सा दिख नहीं रहा है मुझे। गाइस देखो इसमें भी डालने पड़ेंगे सेल। सीरियसली, ओ वायरलेस माउस है भाई, क्या बढ़िया बात है भाई। मुझे पसंद आ गया ये चीज पहले से। भाई पकड़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है इन माउस को। गाइस ये देखो, आपको लगेगा ये चमक नहीं रहे, लेकिन बटन दबाते भाई क्या सॉलिड चमक रहा है। ये ब्लू वाला है, और ये इविल वाला लाल वाला आयरन मैन। गाइस हम यूज कर रहे हैं दो दो माउस। भाई किसी को देखा है दो दो माउस एक साथ यूज करते हो? और ये एक्चुअली में नॉर्मली जो काम करना चाहिए माउस को, उसका काम तो सही से कर रहे हैं, लाइक एकदम सही से। ये माउस इस विंडो को राइट में लेना चाहता है, और ये वाला इविल वाला लेफ्ट में। कौन जीतेगा? अरे लेफ्ट वाला जीत गया। बट स्क्रोल विल भी एकदम मस्त है इस पे भाई। यार क्या दिखता है माउस, बेचारा आयरन मैन एक माउस में बन गया है। और क्या दिन आ गया आयरन मैन पे। इस वीडियो को लाइक दे दो, मैं सारा पैसा आयरन मैन को दे दूंगा, बस लाइक ठोक। ए छोटे गाइस, यहाँ पे अपने पास एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने पेन ड्राइव के अंदर, सीक्रेट आइडिया का। एविल माउस अगर उसको डिलीट कर देता है, ये देखो माउस निकल दिया, सीक्रेट आइडिया डिलीट अपना। ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है कि गलती से मैंने यार डिलीट कर दिए काफ़ी चीज़ें, वो भी रिसाइकल बिन से तक। जो मेमोरी कार्ड होते हैं उसमें तो रिसाइकल बिन में जाता भी नहीं, डायरेक्ट डिलीट हो जाता है। उस वजह से भाई काफ़ी बार मुझे वीडियोस वापस वापस रिकॉर्ड करनी पड़ी है। जब भी मुझे यार रिकॉर्ड करनी होती है चीज़ें डिलीट हुई, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ वंडरशेयर का रिकवरी सॉफ्टवेयर। लाइक पहले से यूज़ करते हो, ऐसा नहीं कि आज यूज़ करता हूँ, दो तीन साल से मैं इसको यूज़ करता हूँ। इनकी एक वेबसाइट आती है वंडरशेयर रिकवरी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप फ्री में डेटा रिकवर कर सकते हो 100 MB तक। तो आप आराम से ट्राई कर सकते हो कि इससे रिकवर हो रहा है या नहीं। किसी भी चीज़ से, USB से, SD कार्ड से, कैमरा से, किसी भी चीज़ में से, ये मैक और विंडोज़ के लिए दोनों के लिए आ जाता है फ्री में। आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हो, या फिर काफ़ी सारे आपको सिनेरियोस दिख जाएंगे कि गलती से आपने कुछ डिलीट किया, फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने पे भी आप रिकवर कर सकते हो, ये एक बढ़िया बात है। क्रैश हो गया कभी कभी, डीप स्कैन कर सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो आप रिकवर करने से पहले। स्टेप्स काफ़ी इजी है इसको रिकवर करने के, मैं इसको तुरंत दिखा दूंगा आपको। अपने अच्छे माउस की मदद से मैंने ओपन कर लिया यहाँ पे अपना वंडर शेयर का रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो हम लोग इजीली यहाँ पे देख सकते हैं अपना पेन ड्राइव लगाया। आप कुछ भी किसी भी चीज़ से रिकवर कर सकते हैं, ऐसा नहीं किसी पेन ड्राइव। मैं यहाँ से स्कैन करवा के ले रहा हूँ फटफट फाइल्स, 50% स्कैन हो चुका है ऑलरेडी। भाई इसने अपने को अपनी फाइल दिखा दी है, एंड हम लोग देख सकते हैं इसमें पहले से टेक्स्ट देख सकते हो क्या था। सीक्रेट आइडियाज करके ये प्रीव्यू करने देता है अपने को,
एंड इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं अभी। ये देखो 100 MB हम लोग रिकॉल कर सकते हैं, एंड ये तो बहुत छोटी फाइल है, फ्री में रिकॉल हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा रिकॉल करना है तो परचेस का भी ऑप्शन आ जाता है। ये देखो हम लोग रिकॉल कर रहे हैं अभी। लोकेशन इसकी मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको ना सीधा डेस्कटॉप पे रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये रिकॉल कर रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिकॉल, मुझे दिख रहा है। ठीक है, आई थिंक रिकॉल हो गया। एंड अभी देखते हैं अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सीक्रेट आइडिया का, भाई रिकॉल हो गया। अच्छे माउस ने अपनी हेल्प कर दी गाइस। रिकॉल रेट का आपको फुल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस नेक्स्ट है अपने पास ये बक्सा डिस्को पार्टी लाइट। भाई ये क्या नाम लिखा है, लेकिन ये गेमिंग गैजेट में कैसे आएगा वो देखने दो मुझे। दिखने में तो काफी यूनिक सा दिख रहा है, रिमोट आ रहा है। गाइस इसको लगाना पड़ता है USB से, मतलब आप इसको डेस्क पे रख सकते हो, इसलिए इसको गेमिंग गैजेट हम लोग शायद से बोल सकते हैं। इसको लगा देते, पावर करते हैं। शांत ना भाई, और चमक रहा है, ये आंख पे चमक रहा है दोस्तों। आई डोंट नो आपके आंख पे चमक रहा है क्या। ओ भैया गाइस लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे ऊपर क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये पूरे रूम में, वो भी भाई क्या मस्त है। एक मिनट, टेबल पे दिखेगा क्या, ये देखो ये देखो ये देखो दोस्तों, क्या बढ़िया चीज है ये। भाई म्यूजिक के साथ ये सिंग कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन दिए इन लोगों ने। इवन सॉन्ग हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं भाई, रिमोट पे मस्त सारे के सारे ऑप्शन है भाई। इसके अंदर दिख रही चीजें, एक मिनट इसके अंदर चीजें दिख रही है, क्या क्या है भाई, ये कुछ अलग ही सीन है इसका, काफी कूल सा लगा मुझे। गेमिंग गैजेट में कैसे आता है ये नहीं पता, शायद से डेकोरेशन। हाँ मतलब आप साइड में रख सकते हो इसको, गेम करते करते गेम के साथ ऐसे चमकेगा मत, समझ आए। नेक्स्ट भाई काफी छोटू सा बॉक्स अपने पास है, आई एम नॉट श्योर इसमें क्या है भाई, पहले से अनबॉक्स है, अमेजन थैंक यू। भाई यार काफी ऐसा कमजोर सा ये दिया बबल जैप, मजा नहीं आया भाई। ये क्या है नेक्स्ट, ओके ये देखने दो मुझे। दिखने में तो ऑब्वियसली कीबोर्ड जैसा है, कोई भी बेवकूफ भी बता सकता है ये चीज। पीसी के साथ कनेक्ट हो सकता है, लैपटॉप के साथ, किसी भी चीज के साथ, मोबाइल के साथ तक कनेक्ट हो सकता है। पहली बात तो ये बैटरी भाई, सिर्फ मेरे जैसे जो बुजुर्ग है अभी उन्होंने ये बैटरी देखी है। एंड साथ ही में इसके ये भी आता है, ठीक है ये चीज जो जिससे हम लोग पीसी वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ये केबल आता है, बट एक माइक्रो USB वाला केबल है, ये यूज कर पा रहे हम लोग डायरेक्टली इसके साथ। ये देखो ये टच पैड है भाई, सीरियसली भाई टाइप भी करके मैं आपको दिखा सकता हूँ फटफट। हम लोग इसको इजीली मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, बस डोंगल वगैरह चाहिए आपको। खतरनाक कीबोर्ड है छोटू सा, ओके यहाँ पे देखो फटफट शॉर्टकट से हम लोग म्यूजिक प्लेयर, ईमेल और क्या काफी सारी चीजें ओपन कर सकते हैं, ये खतरनाक बात है एकदम। ये देखो यहाँ से सर्च का ऑप्शन डायरेक्ट विंडोज का क्रोम खुल रहा है। गाइस ये देखो इस वाले कीबोर्ड को मैंने अपने मोबाइल को कनेक्ट किया है और हम लोग कुछ भी टाइप वगैरह कर सकते हैं इजीली। कुछ अच्छा टाइप करते यार, जैसे कि सब्सक्राइब भाई कर दो जल्दी। गाइस ये तो गेम के साथ नहीं चल रहा है, आई एम नॉट श्योर क्यों इसको असाइन वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन स्टिल यार काफी छोटू सा मस्त सा कीबोर्ड है ये। बट देखो बाकी चीजें तो काम करती है, जैसे होम का बटन दबा दिया सीधा हम लोग बैक आ गए, एंड देन म्यूजिक का बटन दबा दिया ये पूछता है कौन सा म्यूजिकल ऐप ओपन करना है वगैरह। देन इंटरनेट से शायद क्रोम वगैरह, हाँ क्रोम ओपन हो सकता है। देखो ये अपना लास्ट वाला गैजेट बचा है, एंड ये दिख रहा है कुछ तो गेम स्टिक जैसा भाई, ये कुछ मुझे पता नहीं क्या चीज़ है, ये पुराने जमाने के कंट्रोलर जैसे दिख रहे हैं। एंड इसमें गेम स्टिक है, इस पर 4K लिखा है, पता नहीं क्यों 4K में चलेगा कि सच्ची में, देखते हैं। दो कंट्रोलर्स आते हैं साथ में, ये शायद से चार्ज करने के लिए होगा। ओके आई गॉट इट गाइस, इसको हम लोग को इसमें डालना है, एंड देन TV या मॉनिटर जो भी चीज़ है उसको लगा सकते शायद। साथ ही में एक मेमोरी कार्ड आया है 64 GB का, इसके अंदर मेमोरी कार्ड डालने के लिए यहाँ से जगह है। गाइस ये लिटरली चालू हो गया, मुझे लगा नहीं था। इसमें गेम्स क्या है, अजीब अजीब से गेम्स दिख रहे हैं मुझे, कुछ कुछ पुराने जमाने के लेकिन काफ़ी कम है, 8-9 गेम्स से शायद से, कोई तो खेल के देखते। बट खेलते कैसे, मैं कौन हूँ। अच्छा मैं मोटा हूँ भाई, ओए भैया कंप्यूटर सहना लो मैं, ओ अच्छा नहीं गाइस मुझे मार दिया, AI से हार गया गाइस, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। बट काफ़ी अजीब सा गेम है ये, मतलब गेम नॉर्मल है, ये क्या बोलते हैं ना पुराने जमाने में आते थे वो वैसे टाइप का गेम कंसोल है छोटू सा,
बट डायरेक्टली लाइक छोटू सा आता है वो मस्त बात है इसके एक्चुअली। ये पीछे से ऐसे लगा दिया गया है बस। कैसे अपने पास काफी खतरनाक से गैजेट्स थे भाई, काफी मजा आया इनको यूज करने में। खासकर ये माउस भाई मुझे अलग सा लगा और मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, स्टिल मस्त चमकता वगैरह है। आपको कौन से गैजेट्स पसंद आए नीचे कमेंट करना, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।